24 अवतार। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो, तब नारद जी के कहने पर व्यास जी ने भागवत जी लिखा और अपार शांति का अनुभव हुआ। व्यास जी ने महाभारत कहां से स्टार्ट किया? व्यास जी ने महाभारत की शुरुआत की, भागवत जी की शुरुआत की महाभारत से। महाभारत की कथा वैसे आप सब जानते हैं, फिर भी हम आपको कुछ उन पहलुओं पर लेकर चलेंगे जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। हमें वो चीज सुननी चाहिए, वो चीज पढ़नी चाहिए जिससे हम सीख रहे हों। सारी जिंदगी हमें सीखना है, हमें महाभारत से सीखना है, हमें रामचरितमानस से सीखना है, हमें राम के और कृष्ण के और महाराणा प्रताप के चरित्र से सीखना है। जिससे हमें सीख नहीं मिलती हमें वो नहीं काम करना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए जिनसे शिक्षा नहीं मिलती, व्यर्थ की चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी चीजें व्यर्थ में लोग लिख रहे हैं और आप बहुत से लोग फिजूल का देखते हैं, फिजूल का पढ़ते हैं। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर कितनी वीडियो रोज देखते हैं जिन वीडियो का आपके लिए जीवन से कोई लेना देना नहीं। फिजूल में आप देखते हैं, रील्स देखते हैं, कोई नाच रहा है या नाच रही है वो आप देख रहे हैं, क्या फायदा है? हमेशा वो चीजें देखो जिससे आपको कुछ सीख मिले, जिससे आप मोटिवेट हों, जिससे आप कुछ समझें। जिससे आपका कोई लाभ नहीं है वो देखने से अपना समय क्यों बर्बाद करना? हाँ या ना? व्यर्थ की चीज ना देखा करो। महाभारत से क्या सीखा आपने? महाभारत कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा। आप लोग महाभारत नहीं पढ़ते इसलिए आप लोगों के जीवन में महाभारत होता है। काश पढ़ते तो महाभारत नहीं होता। महाभारत हम सनातनियों का, पूरी धरती का एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा सबक है कि महाभारत की बातें कोई सुन ले, कोई समझ ले, कोई पढ़ ले, कोई उतार ले जीवन में, तो वो हर प्रकार के महाभारत से बच सकता है। लेकिन समाज में एक ऐसी अफवाह फैलाई गई, अरे महाभारत घर में रखने से, महाभारत पढ़ने से महाभारत होता है। ये अफवाह इसलिए फैलाई गई ताकि आप लोग महाभारत ना पढ़ें और सदा महाभारत आपके घर में होता रहे। केवल ये अफवाह गलत फैलाई गई और आप सब इस अफवाह के बहुत बड़े शिकार हैं। अरे महाभारत पढ़ने के लिए ही तो बना है। आप लोग ना अफवाहों में जीते हैं, गलत अफवाहों के शिकार हो जाते हैं, है ना? महाभारत पढ़ा करो, घर में रखा करो। मैया आपके घर में महाभारत है? नहीं। अब रखना और ये गलतफहमी हटा दो कि महाभारत रखने से महाभारत होता है। चलो नहीं है आपके घर में महाभारत तो महाभारत हो रहा है कि नहीं? चलो अब तो नहीं है, फिर क्यों हो रहा है? कितनों के घर में महाभारत छिड़ा है? सास बहू का महाभारत, पति पत्नी का महाभारत, देवरानी जेठानी का महाभारत। तुम्हारे घर में तो नहीं है, फिर महाभारत क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि आपने महाभारत पढ़ा होता, कुछ सीखा होता, कुछ उसके अकॉर्डिंग काम किया होता तो महाभारत जैसी स्थितियां ना उत्पन्न होती।